चार नंबर। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो सब लोग? आए आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम आए लाल दाग वाले बाबा के, जो कि भैरवनाथ का स्थान है और यहाँ पर निसंतानता दूर की जाती है। तो देखिए आप, और आप भी आइए। देखिए इधर दरबार लग रहा है और उधर भैरव बाबा जी देखो, जो मंदिर है छोटा सा, और अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि तो वीडियो में बने हुए रहे। पप्पू जी महाराज वो पांडाल की ओर पधारते हुए एक बार सभी पांडाल में पहुंचे। जोर से बोलेंगे बोल भैरू जी महाराज की, बोल भैरू धाम की, बोल भैरू बाबा की। सभी पांडाल के अंदर आ जाए, जो भी भक्तगण आए सभी पांडाल के अंदर आ जाए। अभी भैरू जी महाराज की आरती होगी, इसके पश्चात बाबा जी आपको देखेंगे। बोले भैरू जी महाराज की। जो कोई सर आवे, जो कोई सर ओ चाह मेरा जा सिर चंदर लाली।
थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, आगे जगह छोड़ दें। हाथ से उतारिएगा नहीं, पांच महीने बाद आप उतार सकते हैं। ये पहले महीने से लेकर पांच महीने तक आपके बाजू में रहेगा, बाएं बाजू में। दूसरा, हमारे यहाँ का जो ये बबूत दो, तीसरा आपको यहाँ से आशीर्वाद दिलाएगा। चौथा, आप अपने मन से कुछ मन्नत करके जाओ और बच्चा होने के बाद आपकी इच्छा हो जैसे करो, जैसे भी एक जोड़ा है या भोजन वोजन बना रहा हो, जो गौ माता के दूध में पीने का होता है और एक पानी में पीने का होता है। और पांचवी चीजें, कुछ खाने पीने के जो बताए जाते हैं वो परहेज होते हैं। कल एक जयपुर का जोड़ा था जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको बच्चे नहीं हो सकते, 5% उसके स्पर्म काउंट थे, मैडम को अंडे की प्रॉब्लम थी, नहीं थे। फिर वो यहाँ से 23 तारीख को आए थे और 5 साल से लगातार इलाज ही ले रहे थे, 5-6 लाख रुपए लगा भी दिए उन्होंने, और वो निराश होकर यहाँ आए। यहाँ दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई, धागा बांधा और दवा भी हमारे से टोटल इतनी दवाई, सारी दवाइयां लेके गए जो लगभग उनका चार्जेज रहा होगा, जो भी लगभग 3,000 के करीब चार्ज था उस दवा का, सारी लेके गए। सारी दवाइयां 10 दिन में वापस जमा हो गई। धागे से ही बच्चा लगता, आशीर्वाद से ही बच्चा लगता। तो हमने कल दवाइयां जमा करी और वो उनको बुलाया और कल ही फ्री कर दिया। अब बच्चा लेके ही आएंगे वो, बीच में आपको महीने टू महीने भी आने की जरूरत नहीं। कोई बाहर से दूर से आ रहा तो वो सोच रहा है यार मैं कब तक यहाँ महीने के महीने जाता रहूंगा। नहीं, आपको बच्चा नहीं लग रहा है ना तो मेरे को 3 महीने तो कम से कम दीजिए। आप डॉक्टर को 12 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल दे रहे हो, हमारे को दरबार को 3 महीने दीजिए और 3 महीने पूरे करके 2 महीने धागे को मत उतारिए, बस आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो आपका कोई भी मामला रहा हो, यहाँ पे क्या है, दरबार की शक्ति विद्यमान है। आपका मन से, पवित्र मन से, आप संकल्प से अगर खड़े हो गए तो हमारी औषधियां साइड में पड़ी रह जाएगी, वो आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस शक्ति का भी आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहना है, नहीं कि हमारी दवा से ही। फिर हमारे पास दूसरे महीने की अलग दवा होती है, तीसरे महीने की अलग होती है। हम 3 प्रकार से दवा से प्रयोग करते हैं और 3 ही प्रकार से धागा, बबूत और आशीर्वाद, तीनों से काम करते हैं हमारे 6 सिस्टम, और कुछ खाने पीने के रहते हैं। तो वो सारी चीजें आप मैनेज करना, क्योंकि आपके शरीर में रोग है ना तो उसके लिए दवा है, और आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके लिए आशीर्वाद, ये धागा और ये बबूत है। तो अभी जयपुर से आज आने वाला एक जोड़ा हो, उसको भी 10 दिन में रिजल्ट आया। मतलब आप ये देखो कि महीना भी नहीं हो रहा है, उनको यूं रिजल्ट आ रहा है जैसे ये क्या हो रहा है। तो ये जब तक आप पवित्र मन से दरबार में हाजिरी लगाओ और आपकी बच्चा होने के बाद आपकी इच्छा अनुसार हमारे गौशाला बनाने जा रहे हैं हम जल्दी ही, तो उसमें आपकी इच्छा से जो सेवा दे पाओ देना। अभी हमारा जो यहाँ पे आपको मंदिर में जो लाते ही है, नारियल, अगरबत्ती, फूलमाला, अगर कोई ना भी लाया तो ये दान पात्र पड़ा हुआ है गौशाला के लिए, हमने रखा हुआ है। आपकी इच्छा से परिक्रमा देते वक्त जो भी आप डालना चाहो इसमें डाल दो। जैसे कोई भूल गया सामान, घी नहीं लाया मैं, नारियल नहीं लाया मैं, अगरबत्ती नहीं लाया मैं, गेहूं नहीं लाया, चावल नहीं लाया, लड्डू नहीं लाया, कुछ भी उसका अपना इसमें दान पात्र में डाल देना। मन में गिलानी लाने की जरूरत नहीं, यार मैं कुछ लाया नहीं, आप जो भी हो और गौशाला में वैसे भी कुछ ना कुछ आप इसमें आपकी इच्छा से डाल के जाना। दूसरा, यहाँ से अगर जो दवा लिखी जाती है वो दवा आपको लेके ही जानी है, और रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी दवा जमा होगी, नहीं आता है तो 3 महीने तक आप लगातार लो, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार यहाँ से दवा लिखी जाएगी। तो मेरा यही निवेदन है कि यहाँ से दरबार से कोई खाली ना जाए,
हमने यहाँ से 2-3 हजार जोड़ों को पिछले कई सालों में रिजल्ट दिए हैं, तो आप लोगों के पास सोशल मीडिया से ये चीजें अब गई हैं, तो उसका फायदा आपको तभी होगा कि आप 2-3 महीने तक हमारे यहाँ लगातार महीने टू महीने आओ और बहुत जल्दी आप उसी लिस्ट में होंगे जिन सभी के बच्चे हुए थे आपको भी होंगे। हमारे को सबसे बड़ा यही रहता है कि हर माता बहन की झोली भरे जो दुनिया से भटक भटक के थक गई है, और हमारे पास तो भटक के ही आते हैं, एलोपैथिक साइंस से थकने के बाद ही हमारे पास आते हैं, ऐसे तो कौन आता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, तो आप सबको भगवान भैरवनाथ सभी को आशीर्वाद दें। बोले भैरवनाथ की। चुम्बालीस के बाद 45 तैयार है। चुम्बालीस नंबर।